Hi, हेलो everyone. This दिस इज राजीव ही और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग पैराडाइम एंड देन उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में सो so, अगर आप लोग आई बोर्ड में नाइन्थ या टेंथ क्लास में हो एवन इलेवन या ट्वेल्थ क्लास में हो या फिर सपोज आप कॉलेज स्टूडेंट हो जावा सीख रहे हो तब भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइट right? ये थ्योरेटिकल चैप्टर है बट जब तक ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा आगे आप जावा में ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट कभी नहीं समझ पाओगे ओके okay? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या होता है तो यहां पे डेफिनेशन देख सकते हो अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम इज ए स्टाइल वे ऑफ प्रोग्रामिंग राइट तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करूं प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या होता है तो जैसे हमारे ह्यूमन लैंग्वेजेस होते हैं राइट right? जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है अगर तुम्हें इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है तो पहले तुम्हें क्या सीखना पड़ेगा पहले तुम्हें इंग्लिश ग्रामर सीखना पड़ेगा उसी तरह अगर तुम्हें हिंदी लैंग्वेज सीखना है तो क्या सीखना होगा पहले हिंदी ग्रामर सीखना होगा यानी कोई भी अगर लैंग्वेज तुम्हें सीखना है तो पहले उस लैंग्वेज का ग्रामर सीखना पड़ेगा राइट तो जिस तरीके से हर ह्यूमन लैंग्वेज का एक ग्रामर होता है बेसिकली ग्रामर करता क्या है इस लैंग्वेज के लिए रूल्स डिफाइन करता है जैसे इंग्लिश ग्रामर ही तो डिफाइन करता है ना कि इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे लिखा जाएगा कैसे बोला जाएगा किस तरीके से सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा सारे रूल्स इंग्लिश लैंग्वेज के लिए इंग्लिश ग्रामर डिफाइन करता है राइट उसी तरह हमारे कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे जावा जैसे सी सी प्लस प्लस पाइथन इन सारे लैंग्वेजेस का भी अपना ग्रामर होता है राइट जैसे जावा जिस ग्रामर को फॉलो करता है उसका नाम है ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ठीक है सी जिसको फॉलो करता है उसका नाम है स्ट्रक्चरल ओके पाइथन जिसको फॉलो करता है वो भी ऊप है जावा और पाइथन सेम को सेम ऊप uh, को ही फॉलो करते हैं सी प्लस प्लस भी ऊप को ही फॉलो करता है ठीक है तो जो हमारे कंप्यूटर के लैंग्वेजेज हैं वो भी किसी ना किसी ग्रामर को फॉलो करते हैं राइट right? और यही जैसे जावा किसको फॉलो करता है ऊप को तो ऊप डिसाइड करता है कि जावा में कौन कौन से कंसेप्ट इंप्लीमेंट होंगे ठीक है जावा में वे ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम क्या होगा ये पूरा का पूरा ऊप डिफाइन करेगा जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में हम पैराग्राफ कैसे लिखेंगे ये कौन डिसाइड करेगा इंग्लिश ग्रामर कि सेंटेंस में नाउन कहां होगा प्रोनाउन कहां होगा उसी तरीके से यहां पे हमारे लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन से कंसेप्ट इंप्लीमेंट होंगे ये कौन डिफाइन करेगा जो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का ग्रामर है वो ठीक है बस डिफरेंस इतना है कि ह्यूमन लैंग्वेज के जो ग्रामर्स होते हैं उनको हम नॉर्मली ग्रामर बोलते हैं और जो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके जो ग्रामर हैं उनको हम क्या बोलते हैं प्रोग्रामिंग पैराडाइम यानी ऊप स्ट्रक्चरल ये सारे क्या हैं प्रोग्रामिंग पैराडाइम है क्लियर हो गया तो जावा किस प्रोग्रामिंग पैराडाइम को फॉलो करता है ऊप को सी किस को फॉलो करता है स्ट्रक्चरल को पाइथन ऊप को फॉलो करता है सी प्लस प्लस भी ऊप को फॉलो करता है तो आई होप क्लियर हो गया अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम इज़ अ स्टाइल और वे ऑफ प्रोग्रामिंग ठीक है कि किसी भी अगर जैसे ऊप मान लो जावा लैंग्वेज ऊप को फॉलो कर रहा है तो जावा लैंग्वेज ऊप के रूल्स के हिसाब से जावा लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखे जाएंगे ओके तो वही डेफिनेशन है प्रोग्रामिंग पैराडाइम इज ए स्टाइल अ वे ऑफ प्रोग्रामिंग आई होप इतना क्लियर हो गया होगा सेकेंड पॉइंट है हमारा जस्ट गिव मी अ मिनट सेकेंड पॉइंट है अ पैराडाइम इज अ वे ऑफ डूइंग समथिंग लाइक प्रोग्रामिंग

उसमें से सबसे पहला है इंपेरेटिव फिर डिक्लेरेटिव देन स्ट्रक्चर्ड फिर प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अब इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में बात नहीं करने वाले हैं क्योंकि जावा लैंग्वेज में तुम्हें सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से मतलब है तो बाकी सबको मैं एक एक लाइन में एक्सप्लेन करने वाला हूं शॉर्ट में और हम लोग मेन फोकस किस पे करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे ठीक क्योंकि ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है अगर तुम जावा या सी प्लस प्लस या पाइथन सीख रहे हो तो सबसे पहला प्रोग्रामिंग पैराडाइम है इंपेरेटिव इट right? अब इंपरेटिव का रूल क्या है देखो प्रोग्रामिंग विद एन एक्सप्लिसिट सीक्वेंस ऑफ कमांड्स दैट अपडेट स्टेट राइट सो अगर तु, तुम्हारे जो भी लैंग्वेज है अगर वो इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम को फॉलो करता है तो उसमें हम क्या करते हैं उसमें सिंपली हम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं जो भी वर्क हमें परफॉर्म करवाना है उसके लिए इंस्ट्रक्शन हम प्रोवाइड करते हैं राइट right? अगर मैं इसका सिंपल एग्जाम्पल दू कि सपोज uh, तुम्हें बाहर जाना है और बाहर शॉप से एक वाटर बॉटल परचेज करना है एक बॉटल परचेज करना है ठीक है तो मैं क्या करूंगा मुझे तुम्हें इंस्ट्रक्शन देना है तो मैं इंस्ट्रक्शन कैसे दूंगा मैं तुम्हें सिंपल स्टेप्स बता दूंगा ठीक है रूल्स बता दूंगा जैसे ओके गो आउट पहला स्टेप सेकंड स्टेप गिव मनी टू शॉपकीपर देन थर्ड स्टेप आस्क फॉर वाटर बॉटल तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि अगर तुम्हें वाटर का बॉटल परचेज करके लेके आना है तो कैसे होगा वो सारे स्टेप मैंने तुम्हें बता दिया ठीक है तो ये जो स्टाइल ऑफ इंस्ट्रक्शन है राइटिंग इंस्ट्रक्शन और अगर ये चीज़ तुम जावा में एक कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो स्टाइल ऑफ राइटिंग ऑफ प्रोग्राम है उसको हम बोलते हैं इम्पेरेटिव ठीक है यहाँ पे क्या होगा एक एक लाइन को तुम रीड करोगे और जो जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसको फॉलो करोगे तो इस वे ऑफ राइटिंग को और इस स्टाइल ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं इंपेरेटिव बोलते हैं आई होप क्लियर हो गया होगा अभी तुम इसको प्रोग्रामिंग से कनेक्ट मत करना ठीक है अभी तुम प्रोग्राम छोड़ दो रियल लाइफ में इसको समझो कि इंपेरेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी वर्क मैं तुम्हें फॉलो सपोज मैंने तुम्हें बोला तो कुछ काम करने के लिए ठीक है और उस काम को तुम्हें कैसे करना है उसके लिए मैंने सारे स्टेप तुम्हें लिख के दे दिए ठीक है जैसे मैंने मुझे तुमको बोलना है कि जाओ बाहर एक बॉटल वाटर बॉटल एक परचेज करके लेके आओ तो उसके लिए सारे स्टेप मैंने तुम लिख के दे दिए पहला स्टेप गो आउट बाहर जाओ सेकेंड स्टेप गो टू अयर बाय शॉप नियर बाई शॉप थर्ड स्टेप गिव हिम मनी थर्ड स्टेप आस्क हिम फॉर वाटर बॉटल तो ये सारे स्टेप मैंने बता दिया अब तुम सिंपली इन सारे स्टेप को फॉलो करोगे बॉटल लेके आ जाओगे राइट right? तो so, ये जो वे ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शन है इसी को इंपेरेटिव बोलते हैं आई होप क्लियर हो गया होगा सेकेंड है हमारा डिक्लेरेटिव सो प्रोग्रामिंग बाई स्पेसिफाइंग द रिजल्ट यू वॉन्ट नॉट हाउ टू गेट इट ठीक है सो सपोज अगर यही इंस्ट्रक्शन अभी यहां पे मैंने क्या किया है मैंने तुम्हें एक एक स्टेप बताया है कि कैसे तुम्हें वाटर बॉटल लेके आना है सारे स्टेप डिफाइन कर दिए तो इंपेरेटिव हो गया ठीक है बट अगर मैं सिंपल तुम्हें बोल दू एक लाइन में गो ब्रिंग अ बॉटल ऑफ वॉटर राइट तो यहां पे सिंपल मैंने तुम्हें रिजल्ट बता दिया कि तुम्हें वाटर बॉटल लेके आया आना है मैंने तुम्हें स्टेप नहीं बताया कैसे करना है राइट right? यहां पे मैंने तुम्हें रिजल्ट मेन गोल क्या हो नहीं बताया था कि बॉटल लेके आना है मैंने सारे स्टेप बताए थे तुम्हें कि बाहर जाओ शॉप पे जाओ पैसा दो वाटर बॉटल लो लेके आ जाओ तो, तुम्हें तो तुम ये सारे स्टेप फॉलो करोगे तो ऑलरेडी तुम वाटर लेके आ ही जाओगे ठीक है तो एक तरीका ये हो गया दूसरा तरीका है कि मैंने सिंपल तुम्हें पैसा दिए बोले गो एंड ड्रिंग अ बॉटल ऑफ वाटर तो ये रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच हो गया मैंने यहां पर स्टेप पर ध्यान नहीं दिया स्टेप मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया तो ये जो स्टाइल है इसको हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव राइट देन थर्ड आता है हमारे स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड क्या है प्रोग्रामिंग विध क्लीन गो टू फ्री नेस्टेड कंट्रोल स्ट्रक्चर अगेन मैं बहुत डिटेल में इसमें नहीं जाऊंगा तुम कंफ्यूज जाओगे तो स्ट्रक्चर में इतना सिंपल ये समझ लो कि अगर हम अपने इंस्ट्रक्शन को छोटे छोटे मॉड्यूल में डिजाइन कर दें मान लो कोई बड़ा काम तुम्हें करना है उसके लिए मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं ठीक है तो मैंने क्या किया मैंने इंस्ट्रक्शन तुम्हें कई पार्ट में दिया मान लो एक, एक पेपर है उस पर मैंने तुम्हें इंस्ट्रक्शन लिख के दे दिया और मैंने बोला कि इस पेपर को जो पेपर ए है इसको अभी खोलो और पढ़ो जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा है उसको फॉलो करो फिर एक घंटे बाद एक पेपर बी लो इसमें भी कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा है एक घंटे बाद इसको ओपन करना इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा है उसको फॉलो करना फिर उसके तीन घंटे बाद ये पेपर सी लो इसमें भी कुछ इंस्ट्रक्शन है इसको ओपन करना इसको पढ़ना जो इंस्ट्रक्शन लिखा है इसको फॉलो करना तो इस तरीके से मैंने सारे इंस्ट्रक्शन को छोटे छोटे मॉड्यूल में बांट दिया ठीक है तो ये जो वे ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शन है इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड राइट और ये बहुत क्लीन कोड होता है

तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा अब हम आते हैं जो हमारा लास्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या है नाउ दिस वन इज इंपॉर्टेंट सो पहले ये समझो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम आया कैसे ठीक है सो so, अगर तुम रियल वर्ल्ड को देखो हमारा जो रियल वर्ल्ड है प्रोग्राम छोड़ दो ठीक है तो हमारे रियल वर्ल्ड में तुम जैसे अभी देखो ना तुम बैठ के अभी तुम लैपटॉप पे पढ़ाई कर रहे हो तो कितने सारे ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व हैं यहाँ पे तुम्हारा लैपटॉप जिसमें तुम ए वीडियो देख रहे हो या फिर मोबाइल में देख रहे हो तुम भी बैठे हो तुम भी एक ऑब्जेक्ट हो गए मे बी बगल में तुमने कॉपी रखा होगा नोट्स बना रहा होगा वो भी एक ऑब्जेक्ट हो गया एक तुम्हारे पास पेन होगा जिससे तुम लिख रहे होगी वो भी एक ऑब्जेक्ट हो गया हो गया बगल में तुमने चार्जर लगाया होगा फ़ोन चार्ज करने के लिए ये भी एक ऑब्जेक्ट हो गया फिर तुम्हारा रूम है जिसमें बैठे वो भी एक बड़ा ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे साइड में एसी लगा होगा वो भी एक ऑब्जेक्ट हो गया तो इस रूम में सिर्फ एक काम हो रहा है अभी तुम पढ़ रहे हो ठीक है और एक काम कैसे हो रहा है इतने सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट मिलके एक साथ काम कर रहे हैं तब जाके तुम्हारे पढ़ने का एक फाइनल वर्क हो पा रहा है उसी तरह मान लो बगल वाले रूम में तुम्हारे फादर सो रहे हैं तो कैसे सो रहे हैं अब एक बेड है वो भी एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर तुम्हारा फादर सो रहे हैं ठीक है थीके? बहुत मैंने गंदा डायग्राम बनाया है बट समझ जाना फिर ए लगा हुआ है ए चल रहा है तुम्हारा इसमें और और जो भी चीजें हैं रूम में ठीक है इतनी सारी चीजें हैं बगल में तुम्हारे फादर का फोन भी होगा ठीक है जो चार्ज में लगा होगा उनका फोन है फिर शायद टीवी भी यहाँ पे लगा होगा तो इस रूम में इतने सारे ऑब्जेक्ट एक साथ वर्क कर रहे हैं ठीक है तब एक आउटपुट फाइनल आ रहा है कि तुम्हारे फादर सो रहे हैं हालांकि इस पे सोने से टीवी और से और लैपटॉप मतलब नहीं है बट स्टिल तो रियल वर्ल्ड में कैसे काम होता है अब देखो ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड में क्या है तुम भी एक ऑब्जेक्ट हो लैपटॉप भी एक ऑब्जेक्ट है फैन भी एक ऑब्जेक्ट है पेन भी एक ऑब्जेक्ट है टेबल भी एक ऑब्जेक्ट है तो रियल वर्ल्ड में बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिलके आपस में एक साथ काम करते हैं तो कोई एक वर्क परफॉर्म होता है राइट right? तो उसी तरीके से कुछ प्रोग्रामर्स ने सोचा कि यार क्या इस फीचर्स को क्या इस फीचर को हम प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्या पहले जैसे मैं देखो मैं एक, एक और एग्जांपल देता हूं ना अगर तुम ह्यूमन बॉडी को ले लो तो ह्यूमन बॉडी खुद में पूरा एक ऑब्जेक्ट है बट इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी कई छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं ना तुम्हारे कान हैं जो सुनने का काम करते हैं तुम्हारे नाक हैं जो स्मेल करने का काम करते हैं तुम्हारे हाथ हैं ये भी एक अलग ऑब्जेक्ट हो गए तुम्हारा पैर हो गया ये भी एक अलग ऑब्जेक्ट हो गया तुम्हारे बाल हो गए ए भी एक अलग ऑब्जेक्ट हो गया तुम्हारी आंखें हो गई जो देखने का काम करती हैं एक अलग ऑब्जेक्ट हो गई अब इतने सारे ऑब्जेक्ट एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तब तुम पूरा ह्यूमन बॉडी तुम सपोज तुम खाना खा रहे हो अब देखो खाना खाने में तुम्हारे बॉडी के कितने पार्ट्स इन्वॉल्व हैं एक साथ मतलब कितने ऑब्जेक्ट अलग अलग तुम्हारे आंखें देख रही हैं तुम्हारा नाक उसको स्मेल कर रहा है तुम्हारा जीभ उसको टेस्ट कर रहा है तुम्हारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको डाइजेस्ट कर रहा है तुम्हारा हाथ जो है तुम हाथ से ही खाना खा रहे हो राइट तुम जो पैर है बैठे तभी हो क्योंकि पैर है तुम्हारे पास तो तुम्हारे ह्यूमन बॉडी में इतने अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं ये सारे एक साथ कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं तब तुम एक सिंगल टास्क परफॉर्म कर पा रहे हो खाना खाने का कोई भी ले लो ना तुम और को और बहुत सारे एग्जाम्पल तुम ले सकते हो तुम्हारे क्लासरूम में स्कूल में अगर क्लासरूम में पढ़ाई हो रही है तो एक ऑब्जेक्ट तुम्हारा टीचर हो गया एक ऑब्जेक्ट टेबल हो गया एक ऑब्जेक्ट तुम्हारा प्रोजेक्टर या जो बोर्ड होगा ब्लैक बोर्ड वो हो गया फिर इतने बहुत सारे चेयर होंगे वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो गए बहुत सारे स्टूडेंट होंगे वो भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो गए ऊपर फैन लगा होगा ये भी एक ऑब्जेक्ट हो गया अब इतने सारे इस क्लासरूम के अंदर ऑब्जेक्ट मिलकर आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तब एक वर्क परफॉर्म हो पा रहा है क्या पढ़ाई करने का कि टीचर तुम्हें पढ़ा पाए तो रियल लाइफ में क्या हो रहा है रियल लाइफ में किसी भी वर्क को हम कैसे करते हैं सा, बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपस में कोऑर्डिनेट करके करते हैं मतलब हम रियल लाइफ में करते क्या हैं किसी भी काम को अलग अलग ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर देते हैं जिससे वो काम आसानी से हो जाए जैसे अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ जस्ट गिव मी अ मिनट मान लो कि तुम्हें क्या करना है कि तुम्हारे पास गार्डन है और गार्डन में तुम्हें समोज सपोज पोटैटो लगाना है ठीक है पोटैटो लगाना है और साथ में तुम्हें और क्या uh, एप्पल लगाने हैं एप्पल के पेड़ भी लगाने हैं ठीक है इसके अलावा तुम्हें और काम करना है कि uh, फील्ड को साफ भी करना है फील्ड क्लीन मैं लिख दे रहा हूं ये दोनों पेड़ लगाने से पहले फील्ड को तुम्हें साफ करना पड़ेगा उसके बाद तुम्हें पानी भी डालनी पड़ेगी तो वाटरिंग मैं लिख दे रहा हूं तो फील्ड में इतने सारे काम करने हैं अब अगर तुम सोचो कि ये काम तुम अकेले ही कर लो तो सोचो कितना टफ होगा तो तुमने क्या किया कि अपने तीन फ्रेंड को बदल लिया फ्रेंड ए फ्रेंड बी और फ्रेंड सी ये तुम्हारे तीन फ्रेंड आ गए अब तुमने अब यहां पे टोटल कितने ऑब्जेक्ट हो गए चार एक तुम हो मैं टी लिख दे रहा हूं मतलब तुम ये तुम्हारे तीन फ्रेंड ए बी सी चार ऑब्जेक्ट हो गए अब तुम चारों ऑब्जेक्ट ने आपस में काम को डिवाइड कर लिया तुमने डिसाइड किया कि तुम फील्ड को क्या करते हैं उसको क्या बोलते है? क्या बोलते हैं हैं इंग्लिश टर्म है जमीन को हम खोदते हैं कुछ भी लगाने से से पहले तो सपोज तुमने वो काम करना खुद से डिसाइड किया कि तुम जमीन को खोदने वाले हो तुम्हारा फ्रेंड ए है उसको तुमने काम दे दिया कि भाई तुम वाटरिंग का काम करो ठीक है तुमने फ्रेंड बी को काम दे दिया कि तुम पोटैटो लगाना जमीन में ठीक है जब मैं जमीन को खोद दूंगा और उसके बाद वाटरिंग हम कर देंगे तो तुम पोटैटो लगाना उसमें फ्रेंड सी को काम तुमने दे दिया कि तुम फील्ड के अदर साइड पे जाओ और वहां पे एप्पल और एप्पल लगाओ एप्पल के जो प्लांट है उनको लगाओ तो इस तरीके से तुमने क्या किया सारे काम को डिवाइड कर दिया तुम चारों ऑब्जेक्ट ने मिल एक काम को आपस में डिवाइड कर लिया उससे क्या हुआ कि अब तुम हर पर, हर ऑब्जेक्ट पे काम का बर्डन कम आएगा या क्योंकि काम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया अब बहुत आसानी से वो काम आ जाए जाये, हो जाएगा और बहुत कम टाइम में हो जाएगा राइट right? तो ये जो हमारा रियल लाइफ का कंसेप्ट है कुछ प्रोग्रामर ने सोचा कि यार इसको हम प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्या प्रोग्रामिंग में ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि जो हमारा प्रोग्राम है सपोज अगर मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूं प्रोग्राम है हमारा प्राइम नंबर चेक करने का प्राइम नंबर तो प्राइम नंबर जब हम प्रोग्राम चेक करने का प्रोग्राम लिखते हैं तो इसमें तीन काम होता है ठीक है क्या क्या काम होता है तो सबसे पहला काम हो गया हमारा इनपुट लेने का एक नंबर इनपुट लेना होगा दूसरा काम हो गया अब प्राइम नंबर कैसे तुम पता करोगे ऐसा नंबर जिसके दो फैक्टर्स हो प्राइम होता है तो पहले तुम्हें फैक्टर काउंट करना पड़ेगा तो इस प्रोग्राम में दूसरा काम करना होगा फैक्टर काउंट करने का और तीसरा काम तुम्हें क्या करना होगा चेक करना होगा कि यूजर ने जो नंबर एंटर किया है उसका फैक्टर अगर दो है तब तो प्राइम नंबर है नहीं तो नहीं है तो कंपेयर करने का काम तीसरा करना होगा कि टोटल फैक्टर दो के बराबर है कि नहीं तो इस प्रोग्राम में तुम्हें अगर प्राइम नंबर चेक करने का प्रोग्राम लिखना है तो इस प्रोग्राम में फिर छोटे छोटे तीन काम है पहला काम इनपुट दूसरा काम फैक्टर काउंट करना तीसरा काम कंपेयर करके बताना कि अगर फैक्टर दो है कि नहीं है तो प्राइम नंबर नहीं तो नहीं तो किसी ने सोचा अब देखो यहां पे अगर जो रियल लाइफ का ऑब्जेक्ट वाला कंसेप्ट है उसको हम इंप्लीमेंट करें तो इस प्रोग्राम को हम तीन ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ए जो इनपुट लेने का काम करेगा ऑब्जेक्ट बी जो कि फैक्टर काउंट करने का काम करेगा ऑब्जेक्ट सी जो कंपेयर करने का काम करेगा तो इससे क्या हो गया कि जो जो प्रोग्राम पहले जो हमारा प्रॉब्लम था जिसको पूरा प्रोग्राम अकेले सॉल्व कर रहा था अब उसको हमने तीन छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया तो अब ये तीनों मॉड्यूल अपना अपना काम करेंगे ए इनपुट लेगा बी ऑब्जेक्ट क्या करेगा फैक्टर कैलकुलेट करेगा और सी कंपेयर करेगा तो इससे क्या होगा प्रोग्राम की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और बहुत जल्दी कंपाइल हो जाएगा बहुत जल्दी प्रोग्राम रन कर जाएगा हमारा ठीक है इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं जो कि मैं आगे बताऊंगा अभी सिंपल बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है ठीक है तो यहां पे किसी ने क्या किया कि बेसिकली रियल लाइफ का कंसेप्ट देखा ऑब्जेक्ट वाला और उसको प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ रूल्स बनाए और उसी को बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बेसिकली क्या करते हैं कि रियल लाइफ में चीजें जैसे होती हैं उसको हम प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू मैप करने की कोशिश करते हैं क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो रियल लाइफ चीजें हैं उनको हम जिस तरीके से रियल लाइफ में चीजें होती हैं हम कोशिश कर रहे करते हैं कि बिल्कुल उसी तरीके से उसको हम प्रोग्रामिंग में मैप कर दें मतलब जिस तरीके से रियल लाइफ में कोई काम होता है कंप्यूटर प्रोग्राम भी उसी तरीके से वर्क करे और इसी अप्रोच को बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो आगे हम लोग डिटेल में भी देखने वाले हैं राइट जो हमारा लैंग्वेज है जावा ये कौन सा लैंग्वेज है एक किस ग्रामर को किस पैराडाइम को फॉलो करता है ऊप को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम और इसीलिए ऊप हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट तो चलो अब ये तो मैंने एक जनरल ओवरव्यू तुम लोगों को दे दिया कि रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है अब आते हैं स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पूरा चैप्टर को ठीक है तो ये रहा हमारा हेडिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसका डेफिनेशन क्या होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग इज अ कंप्यूटर मॉडल दैट ऑर्गेनाइजेज सॉफ्टवेयर डिजाइन अराउंड डेटा और ऑब्जेक्ट रेदर देन फंक्शन एंड लॉजिक वही मैंने जो बताया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है कि हमारा जो पूरा प्रोग्राम होता है उसको हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड कर देते हैं राइट right? और फिर ये सारे ऑब्जेक्ट मतलब इसको ऐसे समझो ना और मैं अगर सिंपल समझाऊं तो ये हमारा एक प्रोग्राम है और ये मान लो प्रोग्राम हमारा ऐसा कुछ था ठीक है ये हमारा प्रोग्राम सौ लाइन का था या नब्बे लाइन का प्रोग्राम था हमारा टोटल नाइन्टी लाइन के इंस्ट्रक्शन थे तो हमने तीस लाइन का एक मॉड्यूल बना दिया तीस लाइन का दूसरा मॉड्यूल बना दिया और ये तीस लाइन का तीसरा मॉड्यूल बना दिया अब ये तीन ऑब्जेक्ट हो गए ठीक है अब ये तीनों आपस में कोऑर्डिनेट करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जिससे क्या होगा वो प्रॉब्लम ज्यादा आसानी से सॉल्व हो पाएगा तो वही लिखा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मॉडल दैट सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर का मतलब प्रोग्राम यहां समझना अराउंड डेटा और ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर देते हैं रेदर देन फंक्शन एंड लॉजिक ठीक है आई होप डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा फिर दूसरा पॉइंट यहां पे देखो कि एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज अ डेटा फील्ड दैट हैज यूनिक एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली ऑब्जेक्ट में दो चीजें होती हैं एट्रीब्यूट होता है और बिहेवियर होता है अब ये क्या है आगे मैं इसकी बात करूंगा अभी बट अभी इसको रहने देते हैं ठीक है अब चलो अब हम आते हैं थोड़ा समझते हैं कि रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट होता क्या है हम कंप्यूटर साइंस में क्या ऑब्जेक्ट होता है उस पर चलेंगे उससे पहले हम ये समझते हैं रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट क्या होता है देखो अभी मैंने इसके बारे में बात किया था कि हमारे रियल लाइफ में हर चीज क्या है बेसिकली ऑब्जेक्ट है तुम कोई भी चीज उठा लो ठीक है तुम आ, आ, फैन एक ऑब्जेक्ट है पेन ऑब्जेक्ट है टेबल ऑब्जेक्ट है तुम्हारा टीवी घर में ऑब्जेक्ट है तुम्हारा मोबाइल ऑब्जेक्ट है तुम्हारा डॉग ऑब्जेक्ट है तुम रियल वर्ल्ड में कुछ भी उठा लो हर चीज एक ऑब्जेक्ट है ठीक है क्लियर हो गया अब देखो रियल वर्ल्ड में अभी मैं रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहा हूं अब रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट में हर ऑब्जेक्ट का तीन फीचर होता है क्या क्या हर ऑब्जेक्ट का तीन फीचर होता है रियल वर्ल्ड में क्या क्या सबसे पहला आइडेंटिटी सो so, हर ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ आइडेंटिटी होगा दूसरा बिहेवियर सॉरी बिहेवियर नहीं बिहेवियर से पहले होगा हमारा स्टेट सो so, दूसरा हमारा स्टेट और थर्ड होगा हमारा बिहेवियर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट में तुम रियल वर्ल्ड में कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लो उसके अंदर तीन तीन उसका करेक्टरिस्टिक्स होगा पहला आइडेंटिटी मतलब कुछ ना कुछ उसकी पहचान होगी दूसरा स्टेट और थर्ड बिहेवियर जैसे एग्जाम्पल मैं रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट में एग्जाम्पल लेता हूं डॉग का एग्जाम्पल लेता हूं तो देखो डॉग का आइडेंटिटी होता है ना कुछ ना कुछ उसका नाम होगा तो अगर मैं डॉग की आइडेंटिटी की बात करूं तो टॉमी जेरी जो भी तुमने नाम रखा होगा अगर स्ट्रीट डॉग है तो उसको तो भाई हम लोग जानते हैं ना कि स्ट्रीट डॉग है तो भी तो आइडेंटिटी हो गई ना तो सपोज टॉमी ले, ले लेते हैं ठीक है इसका आइडेंटिटी हो गया स्टेट स्टेट अब का मतलब क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में स्टेट का मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट में सामने विजिबल हो और जो वेरी करता हो तो बताओ डॉग में ऐसी कौन सी चीज है जो डॉग में बिल्कुल विजिबल होती है दिख जाती है और वो वेरी भी करती है मतलब एक डॉग में कुछ और है दूसरे में कुछ और है तीसरे में कुछ और है तो डॉग का कलर राइट सामने दिखता है विजबल है और वेरी भी करता है एक डॉग का कलर कुछ और है दूसरे कुछ और है तीसरे का कुछ और है और क्या हो सकता है ब्रीड डॉग का कौन सा ब्रीड है राइट एक्सेप्ट ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं राइट फिर आता है बिहेवियर अब बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि जो डॉग है वो कैसे किसी भी वर्क को परफॉर्म करता है उसकी आदतें क्या है कैसे किसी काम को करता है वो तो बताओ डॉग की आदतें क्या है बार्किंग तो डॉग का बिहेवियर हो गया और क्या हो गया बार्किंग के अलावा वेगिंग टेल भी डॉग का बिहेवियर हो गया राइट एक्सेप्ट ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं तो आई होप क्लियर हो गया ऑब्जेक्ट का तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है पहला आइडेंटिटी दूसरा स्टेट और तीसरा बिहेवियर एग्जाम्पल मैंने डॉग दिया तो डॉग का आइडेंटिटी कुछ ना कुछ होगा उसका नाम अब उसका स्टेट क्या हो जाएगा स्टेट मतलब तो मैंने क्या बताया जो विजिबल हो ऑब्जेक्ट में और वेरी करता हो तो डॉग के केस में कलर ब्रीड ठीक है फिर बिहेवियर मैंने क्या बताया हमारे ऑब्जेक्ट हमारे ऑब्जेक्ट कैसे किसी वर्क को परफॉर्म करता है और हर बार उसी तरीके से करता है मतलब एक तरीके से उसकी आदत बोल सकते हो तो डॉग के केस में बारकिंग वेगिंग टेल राइट सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा एक और एग्जाम्पल लेते हैं टेलीविजन का सो so, अगर मैं टेलीविजन का एग्जाम्पल लेता हूं तो टेलीविजन केस में टेलीविजन का आइडेंटिटी कुछ ना कुछ होता है ना सपोज एल का टीवी है तो उसके पीछे जाके देखना एल जी वन जीरो ए पी कुछ यूनिक नंबर होगा तो उसका आइडेंटिटी हो गया अब टीवी का स्टेट क्या होगा टेलीविजन का अब इतना ध्यान में रखना हम टेलीविजन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो टेलीविजन का मतलब तभी हुआ जब वो ऑन है चल रहा है उसमें कुछ चल रहा है अगर बंद टीवी पड़ा हुआ है तो उसको टेलीविजन नहीं बोलेंगे तो फिर तो एक नॉर्मल टीन का डब्बा हो गया ठीक है टेलीविजन का मतलब विजन मतलब टेलीविजन में कुछ शो कर रहा है चल रहा है ठीक है तो उस हिसाब से स्टेट बताना स्टेट मैंने क्या बताया था जो सामने विजिबल हो और जो वेरी कर सकता हो तो टेलीविजन के केस में क्या हो सकता है करंट चैनल करंट चैनल कौन सा चल रहा है और क्या हो सकता है करंट वॉल्यूम करंट वॉल्यूम कितने पे है करंट ब्राइटनेस बोल सकते हो बहुत सारी चीजें वेरी कर सकता है कि नहीं करंट चैनल चेंज हो सकता है राइट करंट वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है राइट right? फिर आते हैं हम थर्ड बिहेवियर पे तो टेलीविजन में बिहेवियर क्या हो जाएगा बताओ सो हाउ टू चेंज चैनल टेलीविजन में जब भी तुम रिमोट से प्लस बटन दबाओगे हमेशा चैनल एक अप जाएगा और जब माइनस बटन दबाओगे तो एक डाउन आएगा तो ये टेलीविजन का बिहेवियर हो गया कि नहीं मैंने बिहेवियर क्या बताया था कि कैसे किसी वर्क को हमारा ऑब्जेक्ट परफॉर्म करता है और बार बार उसी तरीके से परफॉर्म करता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट का बिहेवियर है, है आदत है तो तुम रिमोट से जब भी प्लस बटन दबाओगे रिमोट से या जो टेलीविजन में प्लस बटन होता है टेलीविजन के अंदर भी होता है तो हमेशा चैनल एक अप ही जाएगा तो टेलीविजन का बिहेवियर हो गया तो हम टेलीविजन का बिहेवियर बोल सकते हैं हाउ टू चेंज हाउ टू चेंज चैनल और क्या हो सकता है हाउ टू चेंज वॉल्यूम एक्सेट्रा राइट क्लियर हो गया सो so, I hope इतना समझ में आ गया होगा कि जो हमारा रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है इसमें तीन चीजें होती हैं क्या क्या होती हैं? पहला आइडेंटिटी दूसरा स्टेट और तीसरा हमारा बिहेवियर राइट right? तो अभी मैं स्टेट को हटा दे रहा हूं सॉरी आइडेंटिटी को हटा दे रहा हूं यहां से क्यों क्योंकि आइडेंटिटी लिखने का कोई मतलब नहीं है तो बहुत ऑब्वियस ही चीज है आइडेंटिटी तो होगा ही होगा तो अब से मैं बोलूंगा कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट में दो ही हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है स्टेटर बिहेवियर क्योंकि आइडेंटिटी बहुत है, है, तो रियल वर्ल्ड में रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को ही देख के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट आया तो जो हमारे डेवलपर्स थे जो प्रोग्रामर्स थे उन्होंने सोचा कि जैसे रियल वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट होता है जैसे डॉग होता है तो उसके अंदर स्टेट है, है तो इसको प्रोग्राम में कैसे हम इंप्लीमेंट करें तो जो हमारा प्रोग्रामिंग वाला ऑब्जेक्ट होता है यानी जिसको हम बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर वर्ल्ड ऑब्जेक्ट एस लिखा हुआ है इसके अंदर भी तीन चीजें होती हैं। पहला आइडेंटिटी जिसको मैं नहीं लिखूंगा छोड़ दो दूसरा स्टेट बस डिफरेंस ये है कि ये स्टेट को हमारे प्रोग्राम वाले ऑब्जेक्ट में हम वेरिएबल बोलते हैं वेरिएबल या फिर फील्ड भी बोलते हैं एफ आई ई एल डी अब देखो जो हम हम जो तुम अगर तुमने जावा प्रोग्राम किया होगा तो जो वेरिएबल होता है अगर तुमने कभी ऑब्जेक्ट बनाया होगा प्रोग्रामिंग में नहीं बनाया होगा तो मैं आगे बताऊंगा कोई बात नहीं तो हमारे हम जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना उसमें जो वेरिएबल नाम ही है वेरिएबल उसके अंदर जो वैल्यू होती है वो वेरी करती है चेंज हो सकती है और रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट में स्टेट का मतलब क्या था जो वेरी करे जो चेंज हो सके तो जैसे हमारे रियल वर्ल्ड हर ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ स्टेट होता है उसी तरह हमने प्रोग्राम ऑब्जेक्ट में भी एक फीचर डाल दिया वेरिएबल फील्ड कि उसके अंदर जो भी हम डेटा स्टोर करेंगे वो वेरी कर सकता है उसी तरीके से जैसे हमारे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट में बिहेवियर होता है हमारे सॉफ्टवेयर वर्ल्ड ऑब्जेक्ट में उसकी जगह क्या होता है मेथड एम ई टी एच ओ डी मैथड का मतलब हाउ टू डू समथिंग अब तुम प्रोग्राम में देखोगे ना तो हर ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड होता है राइट और वो मेथड ही अगर उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को कोई भी वर्क परफॉर्म करना है तो मेथड की हेल्प से करेगा जैसे डॉग अगर डॉग को मान लो कुछ भी करना है तो क्या यूज करेगा अपना बिहेवियर यूज करेगा अगर उसको किसी को डराना है तो अपना कौन सा बिहेवियर यूज करेगा बार्किंग बार्क ठीक है राइट अगर उसको खाना ढूंढना है तो कौन सा अपना बिहेवियर यूज करेगा स्मेल करने का राइट तो उसी तरह जो हमारा सॉफ्टवेयर वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर भी मेथड होता है अगर हमारे ऑब्जेक्ट को कोई भी वर्क परफॉर्म करना है तो किसका यूज करेगा मेथड का यूज करेगा सो so क्लियर हो गया जैसे हमारे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट में स्टेट और बिहेवियर होती है होता है उसी को बिल्कुल कॉपी करके हमारा सॉफ्टवेयर वर्ल्ड ऑब्जेक्ट बनाया गया इसमें भी दो चीजें होती हैं वेरिएबल जिसको फील्ड भी बोलते हैं जो कि स्टेट का इक्वेलेंट है और दूसरा मेथड जिसको कहीं कहीं हम लोग फंक्शन भी बोलते हैं हालांकि फंक्शन थोड़ा अलग कंसेप्ट है बट पता नहीं कुछ कुछ बुक में मेथड और फंक्शन को इंटरचेजेबली सॉरी सेम चीज के लिए बार बार यूज किया जाता है ठीक है सो so, मैं से फंक्शन हटा दे रहा हूं मैं इसको सिर्फ मेथड ही रहने दे रहा हूं ठीक सो आई होप इतना क्लियर हो गया कि हमारा सॉफ्टवेयर वर्ल्ड ऑब्जेक्ट क्या होता है सॉफ्टवेयर वर्ल्ड ऑब्जेक्ट में वेरिएबल होता है फील्ड और मेथड होता है अब कोई भी अगर सॉफ्टवेयर वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की बात करें तो उसमें वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं मेथड भी कितना भी हो सकता है जैसे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट में अगर हम डॉग की बात करें तो डॉग का एक ही बिहेवियर नहीं होगा ना कई सारे बिहेवियर हो सकते हैं उसी तरह हमारे एक सॉफ्टवेयर वर्ल्ड ऑब्जेक्ट में बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं और बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं आई होप क्लियर हो गया होगा सो so, वही हमारा यहां पे डेफिनेशन लिखा हुआ था कि हमारा डेफिनेशन क्या था एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज डेटा फील्ड दैट हैज यूनिक एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर एट्रीब्यूट्स का मतलब बिहेवियर बिहेवियर और फील्ड को हम एट्रीब्यूट भी बोलते हैं तो यहाँ क्या दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है जिसके अंदर दो चीजें होती हैं पहला एट्रीब्यूट और दूसरा बिहेवियर सो आई होप क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है चलो अब अगले स्लाइड चलते हैं अब आता है हमारा कंसेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अब इसका क्या मतलब हुआ अब देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ कंसेप्ट हैं अच्छा इसको ऐसे समझो ना जैसे इंग्लिश ग्रामर है तो उसका कुछ कंसेप्ट है ना क्या क्या कंसेप्ट है जैसे नाउन हो गया जैसे तुम्हारा उन हो गया जैसे तुम्हारा वर्ब हो गया जैसे तुम्हारा एडवर्ब हो गया अब हमारा इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो किसको फॉलो करता है इंग्लिश ग्रामर को तो इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज ने इन सारे को अपने अंदर इंप्लीमेंट किया हुआ है ठीक है उसी तरीके से जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है इसके कुछ कंसेप्ट हैं ठीक है थीके? जिसको जो लैंग्वेज भी ऊप को फॉलो करता है उसको अपने अंदर इंप्लीमेंट करता है हमारे केस में वो लैंग्वेज जावा है तो ऊप का पहला कंसेप्ट है क्लास दूसरा कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट हालांकि तुम्हें स्लाइड देखोगे तो इसमें दो कंसेप्ट और तुम्हें दिखेंगे ये मेथड मेथड और attributes. तो एट्रीब्यूट ऑलरेडी मैं तुमको बता चुका हूं ये देखो मेथड और एट्रीब्यूट मेथड नंबर थ्री और एट्रीब्यूट नंबर फोर ऑलरेडी मैं तुम्हें बता चुका हूं तो उसको मैं नहीं उस पर जाऊंगा ठीक है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसके क्या क्या कंसेप्ट है क्लास ऑब्जेक्ट उसके बाद क्या है एब्स्ट्रैक्शन उसके बाद क्या है हमारा इनकेप्सुलेशन इनको इनकेप्सुलेशन फिर क्या है पॉलीमोफिज्म पॉलीमोफिज्म एंड देन उसके बाद क्या है इनहेरिटेंस तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सारे कंसेप्ट अभी हम लोग बारी बारी देखने वाले हैं ठीक है और थ्योरेटिकली जब ये सारे हम लोग समझ जाएंगे तब आगे हम लोग प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करेंगे कि प्रोग्राम में क्लास क्या होता है ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं ऑब्स्ट्रक्शन कहां होता है इनकेप्सुलेशन क्या होता है ओके okay? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्लास से ठीक है ऑब्जेक्ट तो मैं ऑलरेडी तुमको बता चुका हूं ऑब्जेक्ट क्या होता है सो so ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स राइट अभी मैंने डेफिनेशन तुम्हें बता दिया अब देखो कि क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है अभी इस चीज को ध्यान से समझना बेसिकली ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा ना ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने तुम्हें बताया था दो चीजें होती हैं क्या क्या ऑब्जेक्ट के अंदर पहला होता है हमारा वेरिएबल जिसको हम स्टेट भी बोलते हैं और इसको हम एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं एट्रीब्यूट्स और दूसरा होता है मेथड्स राइट ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें होती हैं अब जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो बेसिकली होता क्या है ऑब्जेक्ट कुछ और नहीं हमारे क्लास का कॉपी होता है ठीक है फिर से सुनो ऑब्जेक्ट क्या होता है क्लास का कॉपी होता है ध्यान से समझना हमारा ऑब्जेक्ट कुछ और नहीं क्लास का कॉपी होता है अब भाई क्लास का कॉपी होता है ऑब्जेक्ट यानी क्लास में भी यही चीज होता होगा वेरिएबल स्टेट या फिर एट्रीब्यूट और दूसरा मेथड क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट हमारा हमारा ऑब्जेक्ट क्लास का कॉपी होता है तो मतलब क्लास ऑब्जेक्ट में जो चीजें हैं सेम चीजें क्लास में भी होती होंगी राइट right, ऐसा ही होता है बट थोड़ा सा डिफरेंस है बताता हूं अब देखो ऑब्जेक्ट क्लास और ऑब्जेक्ट में बेसिकली डिफरेंस क्या है सो so क्लास जो होता है ना हमारा क्लास ऑब्जेक्ट के लिए एक ब्लू होता है ठीक है तो मैं क्लास और ऑब्जेक्ट में तुम्हें डिफरेंस बताता हूं कि एक एग्जाम्पल देता हूं यहां पर कि एक पल्सर की कंपनी है ठीक है पल्सर की एक ही कंपनी है सॉरी बजाज ये लोग पल्सर बनाते हैं ठीक और सपोज कि बजाज पल्सर है बजाज कंपनी जो है ऑन डिमांड बाइक तैयार करती है मतलब बजाज कंपनी ने एक ऑफर दे रखा है कि भाई आप आओ और अगर आपको सौ से ज्यादा बाइक चाहिए तो आप मुझे बताओ बाइक बाइक में क्या क्या फीचर चाहिए इवन बाइक का नाम क्या रहेगा पूरा मैं आपके लिए अलग से बाइक डिजाइन करूंगा और पूरा बाइक का डिटेल आप मुझे बताओ बाइक का नाम क्या रहेगा बाइक का कलर क्या होगा बाइक का पावर कितना टौक, कितना जनरेट करना है मैक्सिमम स्पीड क्या होगा नंबर ऑफ गियर्स कितने होंगे ठीक है लाइट जो आगे लगेगा उसका पावर क्या होगा तो आप पूरा बाइक का डिजाइन लेके आओ पूरा डिटेल मैं उस तरह की बाइक आपको बना के दूंगा ठीक है मान लो बजाज कंपनी ऑफर कर रही है बट बजाज कंपनी ने बोला कि ऐसा मैं तभी करूंगा जब आपको सौ सौ ऊपर बाइक लेना है ओके तो सपोज हमारे अंबानी जी हैं ठीक है अब भाई अंबानी जी के पास बहुत पैसा है तो उनका एग्जाम्पल लेता हूँ अंबानी जी गए बजाज कंपनी में और उन्होंने बोला अंबानी जी यहाँ पे ए बजाज का मेन रिसेप्शन था वहाँ पे टेबल पे बैठ गए राइट ये टेबल भी बहुत मैं गंदा बनाया हूँ तो यहाँ अंबानी जी बैठ गए अब अंबानी जी ने क्या किया एक पेपर उठाया ये हमारा टेबल है तो अंबानी जी ने इस पेपर एक उठाया और उस पेपर पे उनको अंबानी जी को मान लो दो सौ पचास बाइक चाहिए थी ठीक है तो उन्होंने डिटेल लिखना चालू किया अंबानी जी ने बोला कि जो मुझे बाइक चाहिए उसका नाम होगा आ, क्या नाम ले लें चलो भारत इंडिया के नाम पर वो बाइक चाहते थे ठीक है भारत थ्री फिफ्टी नाइन नाम होगा बाइक का अंबानी जी ने बोला दूसरा फीचर उन्होंने बताया कि जो मुझे बाइक चाहिए उसका मैक्सिमम स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर होगा ठीक है तीसरा फीचर ने उन्होंने बनाया बताया कि जो बाइक होगा आ, और क्या फीचर डाल सकते हैं नंबर ऑफ गियर जो है उसमें नंबर ऑफ गियर एट होगा नेक्स्ट फीचर अंबानी जी ने बताया कि बाइक का कलर जो होगा वो ओ... ऑरेंज होगा बहुत वियर्ड कलर है बट मान लेते हैं नेक्स्ट फीचर अंबानी जी ने बताया कि जो बाइक होगा उसमें और क्या ले सकते हैं हम लोग उसमें व्हील होगा ठीक है एलॉय व्हील होगा तो ये पेपर पे अंबानी जी ने पूरा बाइक का और भी डिटेल्स होंगे उन्होंने पूरा डिटेल लिख दिया तो बजाज के रिसेप्शन पे जो बंदा बैठा था उसने बोला ठीक है डन ये आपने डिटेल्स दे दिए बाइक के ठीक है अब अंबानी जी ने डिटेल्स दे दिया अंबानी जी वहां से चले गए अब बजाज के के इंजीनियर्स ने आए इंजीनियर्स सारे आए उन्होंने यहाँ पे डिटेल्स ये जो पेपर है ध्यान देना ये जो पेपर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चीजें ध्यान रखना ये जो पेपर पे पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है तो बजान के इंजीनियर्स ने डिटेल्स पढ़ा और क्या किया टोटल अंबानी जी को कितना बाइक चाहिए था दो ना तो उन्होंने दो बाइक क्रिएट कर दिया ये मैं डॉट डॉट कर दे रहा हूं ये दो बाइक तैयार कर दिया अंबानी जी के लिए सो अब देखो अंबानी जी यहां पे जो पेपर पे लिख के डिस्क्रिप्शन दिए थे ना कि बाइक में उन्होंने क्या क्या चाहिए सारी के सारे डिटेल्स इस पे, इस पे पेपर पे जो उन्होंने बाइक का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है इसको हम बोलेंगे क्लास और इस पेपर के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से जो 250 बाइक तैयार हुई ठीक है इन सबको बोलेंगे हम ऑब्जेक्ट तो यहां पर हुआ क्या क्लास हमारा क्या है डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हमारा दो ऑब्जेक्ट तैयार हुआ

तो तुमने एक किसी डिजाइनर को कॉल किया वो डिजाइनर आया तुम्हारे स्कूल के कंप्यूटर पे बैठा और उसने फॉर्म तैयार कर दिया फॉर्म में क्या था कि नेम फिल करो क्लास फिल करो देन पेरेंट्स नेम देन मोबाइल नंबर ठीक है एक कंप्यूटर में उसने डिजाइन बना दिया ठीक है तो ये हमारा ब्लू हो गया इसको हम क्लास बोलेंगे क्यों ए ब्लूप्रिंट क्यों है क्योंकि वो जो कंप्यूटर में डिजाइन बना के गया ये कभी यूज नहीं होगा ये तो मास्टर कॉपी है ब्लूप्रिंट बना के दे दिया अब मान लो कोई स्टूडेंट एडमिशन लेने के लिए आया तो रिसेप्शन पे जो भी बैठा होगा स्कूल में वो क्या करेगा कंप्यूटर में जो ब्लूप्रिंट है इसका एक कॉपी निकालेगा एक फोटोकॉपी निकाल लेगा ठीक है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया इस ऑब्जेक्ट में सेम चीजें होंगी ठीक है और ये स्टूडेंट क्या करेगा इसको फिल करके एडमिशन लेगा मान लो एक और स्टूडेंट एड आया एडमिशन लेने तो अब क्या होगा फिर ये जो मास्टर कॉपी कॉपी है इसका एक और निकाल लेगा रिसेप्शन पे बैठा होगा फिर इसको फिल करवाएगा तो एक और ऑब्जेक्ट बन गया हमारे क्लास का ठीक है सो आई होप क्लियर हो गया होगा कि क्लास एक बस डिस्क्रिप्शन होता है और उस क्लास की हेल्प से हम जितना ऑब्जेक्ट चाहे बना सकते हैं राइट right? तो यही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फायदा है कि एक बार क्लास बना दो और उस अब क्लास का जितना तुम्हें ऑब्जेक्ट बनाना है बना के यूज करो उस क्लास के हिसाब से तो अभी दोनों कंसेप्ट तुम लोग ध्यान में रखना जो हमारा ऑब्जेक्ट और क्लास का कंसेप्ट है ये बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्रोबेबली अभी तुम लोग को लग रहा होगा कि शायद इंपॉर्टेंट नहीं हो बट जब मैं ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग में पढ़ाना चालू करूंगा तो फिर तुम लोग को दिक्कत होगी अगर नहीं ध्यान रखोगे तो ठीक है So, ये देखो ये हमारा क्लास हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया थर्ड मेथड और एट्रीब्यूट ये दोनों हमारे क्लास के अंदर होते हैं और ऑब्जेक्ट के अंदर अब एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है सो so, एब्स्ट्रैक्शन मतलब देखो डेफिनेशन क्या दिया है सो so, मुझे कलर चेंज कर लेने दो सो ऑब्जेक्ट ओनली रिवेल्स इंटरनल मैकेनिज्म दैट आर रिलिवेंट टू द यूज ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट हाइडिंग एनी अननेसेसरी इंप्लीमेंटेशन कोड तो अगर ना समझ में आओ तो मैं बता दे रहा हूं एब्सट्रक्शन का मतलब हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड सोइंग ओनली फीचर्स सो बेसिकली प्रोग्राम में होता क्या है ना कि ऑब्जेक्ट क्या करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर लेते हैं और सिर्फ फीचर्स को शो करते हैं जैसे रियल ऑब्जेक्ट में होता है जैसे अगर तुम सपोज कार चला रहे हो तो कार की स्टीयरिंग अगर तुमने राइट में घुमाया तो क्या होगा गाड़ी राइट में घूम जाएगी बट स्टीयरिंग जो है इसका कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हें दिखा क्या कि तुम्हें स्टीयरिंग दिखाए तो गाड़ी के अंदर क्या क्या प्रोसेस हुआ गाड़ी कैसे घूमी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं दिखा ना तुम्हें सिर्फ फीचर दिखा कि स्टीयरिंग तुम राइट में घुमाए तो गाड़ी राइट में घूम गई ठीक है तो यही एब्स्ट्रैक्शन है कि कॉम्प्लेक्सिटी को हम हाइड कर देते हैं राइट जैसे अभी तुम सांस ले रहे हो तो अभी तुम सांस ले रहे हो तो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम तुम्हारा क्या क्या कर रहा है ऑक्सीजन इनटेक कर रहा है ऑक्सीजन लंग्स के पास जा रहा है फिर पूरा ऑक्सीजन एक एक सेल के पास जा रहा है सेल सेल उस क्या कर रहे हैं उससे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं टॉक्सिक मटेरियल को वापस एयर में डाल रहे हैं जो लंग्स से बाहर निकल रहा है इतना लंबा सारा प्रोसेस हो रहा है बट तुम्हें पूरा कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हें दिख रही है क्या नहीं ना तुम्हें सिर्फ फीचर दिख रहा है कि हाँ तुम सांस ले रहे हो और जिंदा हो रियल लाइफ में फीचर बस दिखे अभी लिखा होगा कितना टाइम लगा होगा तुम्हें पता है क्या कि मैं यहाँ वीडियो रिकॉर्ड करके YouTube पे मैंने अपलोड किया तो कैसे डेटा ट्रांसफर हुआ इंटरनेट के थ्रू कैसे सर्वर पे गया फिर तुम जब YouTube ओपन किया तो कैसे सर्वर से तुम्हारे कंप्यूटर में आ रहा है पूरा तुम्हें कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही है क्या नहीं ना तुम्हें बस YouTube को अगर एक ऑब्जेक्ट मान लो तो उसका फीचर दिख रहा है कि तुम वीडियो पर क्लिक करोगे प्ले कर देगा ये भी हुआ। तुम अभी लैपटॉप यूज यूज कर रहे यूज कर रहे रहे हो हो मोबाइल मोबाइल के अंदर पता नहीं कितने सारे इक्विपमेंट काम कर रहे हैं तुम्हें वो पूरी कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही है क्या नहीं ना तुम्हें सिर्फ मोबाइल का फीचर दिख रहा है कि ओके मोबाइल ऑन करोगे तो ऐसे काम करेगा दैट इज एब्रेक्शन तो इसी चीज को प्रोग्राम वाले ऑब्जेक्ट में भी इंप्लीमेंट किया गया है कि तुम्हें ऑब्जेक्ट कैसे वर्क कर रहा है वो पूरा डिटेल तुम्हें नहीं दिखेगा

तो ये तीनों मैं शॉर्ट में बताने वाला हूं और जो भी स्टूडेंट नाइन टेंथ में है आईसीएससी बोर्ड के ठीक है तो उनके लिए इतना इनफ है बट कोई भी कॉलेज स्टूडेंट है जो इससे ज्यादा जानना चाहता है तो मैं अलग से इनहेरिटेंस और पॉलिमोफिजम इनकेपलेन पर वीडियो अपलोड करूंगा ठीक है और जल्दी कुछ ही दिन में कर दूंगा फाइन तो बात करते हैं इनहेरिटेंस की इनहेरिटेंस क्या होता है कि व्हेन वन क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास क्लास दैट इज नॉन एज इनहेरिटेंस ये भी रियल वर्ण, रियल वर्ल्ड से उठाया गया है जैसे मान लो अगर रियल वर्ल्ड में हम पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स भी तुम्हारे फादर हैं वो भी एक ऑब्जेक्ट है ठीक है तुम उनके तुम उनके दो चाइल्ड हैं अब ये दोनों भी ऑब्जेक्ट हैं ठीक है बट ये जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है हम चाइल्ड वन ले लेते हैं और इसको हम चाइल्ड टू ले लेते हैं तो चाइल्ड वन ने पेरेंट्स से कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिट किया कि नहीं जैसे मान लो इस चाइल्ड की का जो नोज है नाक है वो फादर पे चला गया पेरेंट्स पे और इस चाइल्ड का जो कलर है स्किन कलर है वो पेरेंट्स पे चला गया तो इन दोनों ने पेरेंट्स से कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिट किया ना तो इसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस रियल वर्ल्ड में कैसे देखो एक ऑब्जेक्ट से चाइल्ड ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहे हैं ठीक तुमने देखा होगा कोई पेरेंट स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं तो जो चाइल्ड होता है उसमें भी स्पोर्ट्स के कुछ फीचर्स आ जाते हैं ठीक है पेरेंट्स से किस में आए चाइल्ड में ये भी इनहेरिटेंस है तो सेम चीज को हमारे जावा जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसमें भी इंप्लीमेंट किया गया कि कैसे एक ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे फीचर्स को इनहेरिट कर सकता है ठीक है इसी को हम क्या बोलते हैं इनहेरिटेंस बोलते हैं तो जावा में अगर मान लो पहले से एक ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट वन ठीक है या ऑब्जेक्ट या क्लास भी बोल सकते हो ऑब्जेक्ट या क्लास है ठीक है क्लास ही बोलो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि अगर क्लास इनहेरिट कर रहा है तो ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियस ही बात ही करेगा ठीक है क्योंकि क्लास ही तो ब्लू प्रिंट होता है तो मान लो हमारा क्लास वन है अब एक क्लास वन के अंदर फीचर क्या है क्लास वन दो नंबर को ऐड करता है ठीक है और एक है क्लास क्लास टू और एक क्लास टू क्या करता है ये दो नंबर को प्रोडक्ट निकालता है दो नंबर का बट अब तुम चाहते हो कि क्लास टू दो नंबर को ऐड भी करे तो तुम्हारे पास दो तरीका है एक तो क्लास टू में तुम दो नंबर को ऐड करने वाला कोड पूरा का पूरा लिखो या एक तरीका है कि ऑलरेडी क्लास वन में फीचर अवेलेबल है ना तो क्लास वन को तुम क्लास टू में इनहेरिट कर लो आगे समझ में यही है इनहेरिटेंस अब यहां पे तुम जिसके फीचर को इनहेरिट कर रहे हो उसको हम क्या बोलेंगे पेरेंट क्लास पेरेंट क्लास भाई क्योंकि अगर फादर की प्रॉपर्टी को चाइल्ड ने इनहेरिट किया फादर की प्रॉपर्टी को चाइल्ड ने इनहेरिट किया तो पेरेंट फादर हुए ना तो तुम क्लास वन के प्रॉपर्टी को क्लास टू इनहेरिट कर रहा है तो क्लास वन क्या हुआ पेरेंट क्लास और क्लास टू क्या हुआ पेरेंट क्लास को हम सुपर क्लास भी बोलते हैं पेरेंट क्लास को हम ध्यान रखना पेरेंट क्लास को हम सुपर क्लास भी बोलते हैं ठीक है और चाइल्ड क्लास को हम सब क्लास भी बोलते हैं अब ये कैसे होगा ये मैं प्रोग्रामिंग में दिखाऊंगा जब हम लोग प्रोग्राम में अभी तो थ्योरेटिकली हम लोग एक कंसेप्ट देख रहे हैं ना तो जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि कैसे एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं ठीक है आई होप क्लियर हो गया होगा तो अब चलते हैं अपने हम प्रेजेंटेशन पे डेफिनेशन देखो क्या दिया हुआ है क्लासेस कैन रीयूज कोड फ्रॉम अदर क्लासेज जो मैंने अभी बताया फिर आता है पोलीमोफिज पॉलीमोफिजम का सिंपल अभी ये मतलब समझो कि होता क्या है ना कि आ, हम जावा में एक फीचर है कि तुम किसी भी क्लास के अंदर किसी भी क्लास के अंदर तुम मेथड डिफाइन कर सकते हो बट वो मेथड क्या करेगा ये तुम डिफाइन नहीं करोगे ठीक है मेथड काम क्या करेगा ये तुम डिफाइन नहीं करोगे वो कौन डिफाइन करेगा अगर इस क्लास को कोई दूसरा क्लास इनहेरिट करता है तो वो डिसाइड करेगा कि ये वाला मेथड क्या वर्क करेगा तो अब सोचो अगर जो क्लास ए है अगर इस क्लास ए को तीन क्लासेस ने इनहेरिट किया मान लो क्लास बी ने इनहेरिट किया क्लास सी ने इनहेरिट किया और क्लास डी ने इनहेरिट किया तो अब इस मेथड से चार एक ही मेथड है जो क्लास ए में है बट इसे चार तरीके काम जा सकते हैं क्लास बी अपने हिसाब से कराएगा क्लास सी अपने अकॉर्डिंग क्लास डी अपने तीन तरीके से तो यही है पॉलीमोफिज ठीक है तो इसको भी हम लोग प्रोग्राम में देखेंगे डिटेल में ये क्या होता है पॉलिमोफिज के बाद अगला कंसेप्ट है जो यहां पे लिखा नहीं है मैं बता दे रहा हूं इनकेप्सुलेशन एटथ है हमारा कलर uh, मुझे चेंज कर लें दो दिख नहीं रहा है कुछ नेक्स्ट है हमारा जस्ट गिव मी अ मिनट इनकैप्सुलेशन इनकैप्सुलेशन सो इनकैप्सुलेशन क्या होता है हाइडिंग ऑफ कोड एंड डेटा अगर इनकैप्सुलेशन की मैं डेफिनेशन लिखूं सो so इनकैप्सुलेशन का डेफिनेशन हो जाएगा बाइंडिंग ऑफ कोड and data code and data together together in a single unit in a single unit is called encapsulation is called encapsulation in encapsulation सो बेसिकली जावा में होता क्या है कि एक सिंगल यूनिट के अंदर हम पूरे कोड और डेटा सबको बाइंड कर देते हैं उसी को इनकेपलेन बोलते हैं अगेन अब तुम रियल लाइफ में देख लो अगर तुम स्कूल में एक क्लास रूम के अंदर बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो जैसे मान लो तुम टेंथ ए में हो ठीक है तो टेंथ ए के लिए जितनी नेसेसरी चीजें हैं उस पर्टिकुलर रूम के अंदर हैं कि नहीं तुम्हारा टीचर सारे स्टूडेंट तुम्हारा पढ़ाने के लिए जो बोर्ड चाहिए जो भी सबके पास बुक चाहिए टेबल आगे होना चाहिए Uh, जितनी भी रिक्वायर्ड चीजें हैं ठीक है तो यहां पे पढ़ाने के लिए तुम्हारा टीचर है पढ़ने के लिए स्टूडेंट है बुक्स है कॉपी है पेन है बोर्ड है इलेक्ट्रिसिटी है फैन है एवरीथिंग इज अवेलेबल देअ और इसको हमने एक सिंगल रूम के अंदर सिंगल यूनिट के अंदर बाइंड करके रखा हुआ है दैट इज इन कैप्सुलेशन अगर और इसको हम थोड़ा तो टेक्निकल देखें तो ठीक uh, है अभी टेक्निकली हम लोग प्रोग्राम करेंगे तब मैं बताऊंगा कैप्सूल देखा है ना बहुत बार खाया होगा कैप्सूल तबियत खराब हुआ होगा तो तो यहां पे डॉट 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 दवा रहता है ठीक है तो मेन दवा है जो छोटा छोटा रहता है यही हमारा मेन दवा होता है जो कि इस पूरे कैप्सूल के अंदर इस पूरे कैप्सूल के अंदर बंद रहता है क्लोज रहता है है इस इस पैकेट इस रैपर के अंदर ये ये परफेक्ट का जो डॉट 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 मेन दवा, दवा है, इसको तुम कोड एंड डेटा मान लो जो कि एक रैपर के अंदर एक सिंगल यूनिट के अंदर बंद है दैट इज इनकै्सुलेशन तो जावा में जब हम प्रोग्राम करते हैं तो एक क्लास बनाते हैं और इसी क्लास के अंदर पूरा हमारा कोड और डेटा होता है राइट और जब फर्दर इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा कोड और डेटा रहता है दैट इज तो आई होप इनकेशन क्लियर हो गया होगा बाइंडिंग ऑफ कोड एंड डेटा टूगेदर इन सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकेशन ओके सो नेक्स्ट है हमारा पॉपुलर प्योर ऊप लैंग्वेज अब कुछ फेमस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैडाइम को फॉलो करते हैं कौन कौन सा रूबी हो गया स्केला हो गया जेट हो गया एमरैल्ड हो गया ठीक है अब कुछ ऐसे लैंग्वेजेस हैं जिनको ऊप को ध्यान में रख के बनाया ही गया था राइट right? मतलब जब फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम आया तो कुछ लैंग्वेज ऊप को ध्यान में रख के ही बनाए गए मतलब ऐसा समझो कि इंग्लिश ग्रामर जब फर्स्ट टाइम आया होगा तो इस ग्रामर को ध्यान में रख के किसी ने इंग्लिश लैंग्वेज डिजाइन किया उसी तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम जब कंसेप्ट आया तो इसको ध्यान में रख के कुछ लैंग्वेजेस बनाया गया और कौन सा लैंग्वेज था सबसे पहला था सी प्लस प्लस फिर जावा और फिर पाइथन ठीक है तो इसीलिए आज भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अगर प्रोग्रामिंग की बात करो तो सी और जावा और पहले सी जावा इन दोनों का कोई ऐसा आंसर नहीं है और उसके बाद आता हमारा पाइथन ओके तो इसी के साथ हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाला जो पार्ट था वो क्लियर हो गया हालांकि एक टॉपिक और बचा हुआ है ये है हमारा वॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऊप तो मॉड्यूलैरिटी समझ ही गए हो गये? कि पूरे प्रोग्राम को हम ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर सकते हैं यानी छोटे छोटे मॉड्यूल में डिजाइन कर सकते हैं जिससे क्या होगा कि आसानी से एफिशिएंसी बढ़ जाएगी कोई भी वर्क आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम को रियुजेबिलिटी ये भी समझ गए होगे भाई एक बार बस तुम क्लास बना दो अब उस क्लास का तुम जितनी बार चाहो यूज कर सकते हो जो मैंने एग्जाम्पल स्कूल के एडमिशन फॉर्म का दिया कि एक बार एडमिशन फॉर्म डिजाइन हुआ अब चाहे टेन थाउजेंड स्टूडेंट आ जाए टेन के स्टूडेंट तुम इस क्लास का दस हजार ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो मतलब कॉपी और हर स्टूडेंट को एक एक दे दो तो रीयूज हो रहा है कि नहीं सेम फॉर्म यानी सेम क्लास यानी सेम कोड क्लास कोड से ही बना है ना प्रोडक्टिविटी अब तुम अगर सेम कोड को बार बार रीयूज कर सकते हो मॉड्यूल में डिजाइन कर सकते हो तो ऑब्वियस बात है ना तुम्हारी एफिसियंसी बढ़ जाएगी तुम जो प्रोग्रामर हो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी फिर है इंटरफेस डिस्क्रिप्शन फिर सिक्योरिटी ज्यादा सिक्योर है फ्लेक्सिबिलिटी ऑब्वियस बात है मॉड्यूल में हम डिवाइड कर सकते हैं तो ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा ये सारी चीजें पढ़ लेना समझ में आ जाए तो अच्छी बात है नहीं समझ में आ जाए तो कोई नहीं पूछने वाला मॉड्यू मॉड्यूलरिटी रियूजिलिटी प्रोडक्टिविटी तो समझ में आई हो गया बाकी सब कहानियाँ हैं ठीक है थीके? तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ओवर हो गया अगले क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इसीलिए फंक्शन चैप्टर से पहले मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम और या फिर प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या होता है ये दोनों टॉपिक कवर कर लिया क्योंकि अगर ये दोनों टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो फंक्शन समझ में नहीं आएगा और फंक्शन समझ में आ भी गया अगर फंक्शन मैं मेथड को बोल रहा हूं ठीक है कंफ्यूज मत होना बट आईसीएसई बोर्ड्स के बुक्स में मेथड को ही फंक्शन बोला गया है तो so, बेसिकली हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जस्ट मैं राइटिंग पैड में कुछ इशू हाँ तो हम लोग मेथड स्टार्ट करने वाले अगला चैप्टर और हम लोग मेथड पढ़ेंगे और उसमें सारे कंसेप्ट आएंगे कि प्रोग्राम में हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं पहले क्लास कैसे बनाते हैं फिर उस क्लास से ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे ठीक है फिर उस ऑब्जेक्ट में वेरी जो हमारे वेरिएबल्स हैं मेथड्स हैं कैसे बनाएंगे इनकेप्सुलेशन कहाँ पे हो रहा है एब्स्ट्रैक्शन कहाँ पे हो रहा है ये सारी चीजें आएंगी तो अगर इस कंसेप्ट को मेथड कंसेप्ट जो मेथड का कंसेप्ट है और जो क्लास ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट है प्रोग्रामिंग में उसको अच्छे समझना चाहते हो तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे समझ लेना कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताओ मैं उससे फर्दर वीडियो बना दूंगा ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू